सर्दियों का सीजन शुरू होते ही बाजार में हरे मटर आने लगते हैं और हरे मटर का कोई भी रेसिपी बनाइए बहुत ही अच्छा लगता है। फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार लिए हैं, इसमें डालेंगे हम 3 हरी मिर्च, 8-10 कलियां लहसुन का, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी हरा मटर। 1 चम्मच पानी डाल के इसका एक हम दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं, यहाँ गैस पे एक पैन रखे हैं, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा और राई अच्छे से यहाँ फूट चुका। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम हरा मिर्च भी डाले हैं इसीलिए मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला डालते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं अच्छे से। इसमें हम डाल देंगे दरदरा ग्राइंड किया हुआ सभी मोटे, चलाते हुए हम 2 मिनट अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। अच्छा, एकदम डो के फॉर्म में हो चुका है, देख रहे हैं एकदम गीला नहीं है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बड़ा सा परात लिए हैं, इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, इससे हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हाथों पर हम ऐसे क्रश करके डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मोइन के लिए इसमें 1 चम्मच हम घी डाल रहे हैं, आप यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक। आपको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए आटा में कितना अच्छा से बेंडिंग हो जा रहा है ऐसे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लेंगे। बिना रेस्ट किए इसका हम लोई तोड़ेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही इसका भी हम लोई बना लेंगे। ऐसे सभी आटे का हम लोई बना लिए हैं, यहाँ हमारा 5 लोई हुआ है। यहाँ 1 कटोरी लिए हैं, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मैदा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। लोई लेंगे, प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा हम रख लिए हैं, इसमें लगा करके यहाँ रोटी के तरह हम अच्छे से इसे बेल लिए हैं। अब इसे चौकोर हम कट करेंगे, साइड का पार्ट हम निकाल देंगे, इसका यूज हम बाद में कर लेंगे। बीच से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कट किए हुए पीस को ऐसे हम रख देंगे। अब इसके ऊपर जो फिलिंग्स बना के हम रखे थे मटर का, उसको रखेंगे। अब इसके ऊपर जो मैदा का पेस्ट बना के रखे थे उसको हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, पिछला लेयर इस पर हम रखेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा ऐसे। फिर से इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ सभी को बना के तैयार कर लिए हैं, देखिए कितना अच्छा बना है। सबसे खास बात यह है कि इसे आप बना करके किसी एयरटाइट डब्बे में भर के 2 से 3 दिन तक यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। यहाँ गैस पे एक मोटे तले का कढ़ाई रखे हैं, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा हल्का गर्म हुआ है, इसे पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, कितना मस्त दिख रहा है। इसी तरह हम सभी को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मजेदार सी सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना मजेदार, देख रहे हैं, देख के ही मुंह में पानी आ जा रहा है, कितना मस्त बना है। इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं, आप इसे किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।